हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। बेटा सौरभ, ए बेटा उठो। क्या कर रहे हो मम्मा? ये तैयार हो जा बेटा, मंदिर चलना है ना। मैं मंदिर? मैं किस लिए जाऊंगा? ये कैसा सवाल है बेटा, मंदिर किस लिए जाते हैं? माँ, बेसिकली हम मंदिर कब जाते हैं? जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है। और जब तक मेरी कैरिया मेरे साथ है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और वैसे भी
भाभी मेरे भगवान हो, वो पत्थर नहीं। बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, विष्णु बराह ही अपनी ताकत है। यार मम्मी आप मुझे पहले नहीं उठा सकते थे। बेटा किसका फोन है? मेरे भगवान का फोन माँ। सॉरी भाई लेट हो गया। कोई बात नहीं, हम गुरुजी को समझा लेंगे। नारायण ये 21st century है, इस हाईटेक और इंग्लिश के जमाने में तू आज भी वेद मंत्र सीख रहे। हमारे श्रीहरि को पाने का यही एक मार्ग है। कहाँ है तेरे श्रीहरि? हमारे श्रीहरि तो कण कण में है, और मैं धन्य हूँ जो मेरा जन्म विश्वविख्यात श्री विष्णु वराह की पवित्र नगरी में हुआ है। भैया ये विष्णु वराह मंदिर कहाँ पर है? भैया आप सीधे जाना और फिर दाएं मुड़ जाना। विश्वविख्यात भैया आपको भगवान से इतनी नफरत क्यों है? मुझे भगवान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है इन भक्तों से और इनके ढोंग से। ये ढोंग नहीं, यही हमारी आस्था और हमारा धर्म है। ये विधि विधान साइंटिफिकली भी प्रूवन है। गुरुजी आपको और आपके ज्ञान को नमन। चलें। बुड्ढे दिखता नहीं, हमारे लक्की भाई की रैली निकल रही है। सौरभ भैया, लक्की भाई चलो यहां से, भैया जी सब संभाल लेंगे। भैया इतना क्रोध अच्छा नहीं है। क्यों, तो गलत हो तो देखूं? तो आप प्यार से भी तो बता सकते थे। ये रौद्र ना आपके विष्णु वराह का ही है, उन्होंने भी तो हिरण्याक्ष को कितनी ब्रूटली मारा था। गुरुदेव आपके ज्ञान को नमन, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। दीर्घ आयुष्मान। गुरुदेव आज आप मुझे सृष्टि रचना और श्री हरि के रूपों के बारे में ज्ञान प्रदान कर मुझे चरितार्थ करें। लक्ष्मी नारायण के अवतारों की कथा जितनी बार भी कही और सुनी जाती उतनी बार ही मन शुद्ध और भक्ति में हो जाता है, इससे प्राणियों का कल्याण होता है। जी गुरुदेव। पहली कथा अब तुम वराह अवतार की सुनो। इसमें स्वयं धरती का उद्धार करने के लिए प्रभु ने वराह अवतार धारण किया था। इस कहानी का प्रारंभ जय और विजय जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं, उनके श्राप से होता है। श्राप देने का कारण गुरुदेव? सनत सनंदन सनातन और सनका ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, सृष्टि का भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के दर्शनों की अभिलाषा से वैकुंठ पहुंचे।
अरे अरे कहाँ कूद चले आ रहे हो? ये कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है। हम जानते हैं यहाँ प्रभु का परम धाम वैकुंठ है। आप तो पहुँचे हुए महात्मा लगते हैं। हम चारों अपने योग बल से यहाँ पहुँचे हैं। सुना तुमने विजय, ये महाज्ञानी ही नहीं महायोगी भी है और अब अपने योग बल से देखते ही देखते अदृश्य भी हो जाएंगे। अदृश्य हो जाओगे ना तुम लोग। तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो। नहीं नहीं, हम स्वयं अपना ही उपहास उड़ा रहे हैं, है ना जय? हमारा मार्ग चलो, हमें भगवान विष्णु के दर्शन करना है। विजय, ये लोग तो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। कर सकते हैं यदि हमसे निवेदन करें तो। वो भी हाथ जोड़कर? नहीं नहीं, हाथ जोड़कर नहीं, हमारे चरणों में साष्टांग प्रणाम करके। तुम दोनों भगवान के पार्षद बनने लायक नहीं हो, तुम भगवान के स्वभाव के विपरीत हो। तुम्हें ऋषि मुनियों की पहचान नहीं है। तुम दोनों असुरी राक्षसियों में जन्म लोगे, यही हमारा श्राप है। जय विजय, ये देखकर बहुत डर गए और ऋषियों को साष्टांग प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी, क्योंकि वो जानते थे भगवान विष्णु ब्राह्मणों का बहुत मान करते हैं। हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे ही पार्षद हैं। इन्होंने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। प्रभु, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए हम मुनियों का इतना आदर करते हैं। हे नाथ, हम इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन पार्षदों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इसे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य दंड के भागी हैं। ये दिति के गर्भ में जाकर दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होगा। मेरे द्वारा संहार होने के बाद वो पुनः इस धाम में वापस आ जावेंगे। माता दिति को वर तो मिला, परंतु उनके वर मांगने का उद्देश्य और समय अशुभ, इसीलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दुष्ट और अहंकारी बने। इसलिए महाबली हिरण्याक्ष ने अंतरिक्ष में से धरती को चुरा लिया और उसे समुद्र के नीचे ले जाकर छिपा दिया। देवता भगवान श्री विष्णु के सामने त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तब भगवान वराह का रूप धारण करके परमपिता ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हुए। मात्र श्री हरि ही भूमि देवी को उनकी कक्षा में वापस ला सकते हैं। गुरुदेव, यहाँ भी पाप और अधर्म कितना बढ़ गया है, दुष्ट इंसानों की संख्या भी बढ़ गई। इनसे मुक्ति दिलाने अब हमारे श्री हरि किस रूप में आएंगे? इन पापियों से हमारी रक्षा करने के लिए श्री हरि किसी भी रूप में आ सकते हैं। हो सकता है हमारे ही बीच एक आम इंसान बनकर सबकी मदद कर रहे हो।
आज हम जाके भैया जी से अपनी सारी तकलीफें बता देंगे। चलो चलो। अरे रुको भैया जी, सेटलमेंट में है, वेट करो। ऐसा कौन सा सेटलमेंट है भैया, तो टाइम लगेगा। अब कहा बोले, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर जाएंगे? ये टेंडर हम तुमसे लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। भैया जी माफ कर दीजिए, भैया जी एक मौका और दे दीजिए भैया जी। तेरे रहते हुए अगर कोई मेरे भाई को छू सकता है तो कल को मेरे गिरेबान पे भी हाथ डाल सकता है। प्रणाम, कहिए क्या बात है? आप हमसे सिर्फ समस्या पूछते हैं, कभी समाधान किया है क्या? भैया जी स्कूल जर्जर हो गया है, कभी भी गिर सका थे। वो सड़क तो चलने लायक ही नहीं है भैया। वोट के लिए नोट लिए थे ना, अब ये काम भी खुद ही कर लो। चलो देखते हैं। नारायण, ऐसे जितने भी स्कूल हैं सारे हाईटेक और वेल फैसिलिटीज के साथ होने चाहिए ताकि ये हादसे दोबारा ना हो। माँ आप? बेटा आज तो ड्राइवर आया नहीं, तुम्हें ही चलना पड़ेगा। क्या माँ, आप भी ना। बेटा माँ, आप दर्शन करके आओ, मैं यहीं रुका हूँ। यहाँ क्यों खड़ा है, अंदर तो चल। माँ ये तो चीटिंग है, बात तो मंदिर आने की हुई थी, अंदर जाने की नहीं। बेटा मेरे लिए तो अंदर चल सकता है ना। माँ आप भी ना बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। चलो आप लोग, मैं आता हूँ। अरे माता जी, आपने इस बच्चे को जमीन पे क्यों लिटा रखा है? मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, ये विष्णु वराह की महिमा है, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर बच्चा बीमार है तो उसे हॉस्पिटल ले जाइए, मंदिर नहीं। ये लीजिए कुछ पैसे रख लीजिए और इसका इलाज करवाइए। पैसों से सब कुछ ठीक नहीं होता है, बड़ी मन्नतों के बाद विष्णु वराह की महिमा से हमें ये बच्चा हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ आकर ठीक हुए हैं, ये हमारा विश्वास है और भगवान की महिमा। बेटा। हाँ माँ। Thank you.
कर रहो हे देवधामी का चमत्कार हो रहो। एक कौ मछरिया ना मिली आज, देखत देखत दिन ढल गओ। ओ दद्दा का खबाओ आज? तुम को आओ मैं ना जानू, मछरिया की जगह तुम्हें मिले। चलो तुम्हें को घरे ले चले, जय हो। आ गए खाली हाथ, मोड़ा मोड़ी को का खिलाओगे? पापा भूख लगी है। जय देव माई। अरे दद्दा गजबई होगा आज, जय हो देव धामी की। पुल्लई की मछरियां फंसी रे आज। ओ भगवान बहेरा। हाँ का हुआ, काहे तो ऐसा चिल्ला रहे हो? कहीं तीर ही मार के आ गए हो का? अरे जब देखो डांटती रहती हो। ये देख मछरियाँ लेके आया हूँ इतनी सारी। हे भगवान आज तो इतने खुश हो गए इतनी सारी मछली। हाँ अब खुशी के दिन हैं, सब कर हैं पूरा, पूजा कर हैं। चलो देवधामी की पूजा कर लो, इतना आओ हाथ जोड़ लो यहाँ पे।
जय देवधामी, सब आप ही की कृपा है देवधामी, जो इतनी सारी मछलियाँ फंस गई हमरे को। इन मछलियों को बाजार में जाके बेच दे हूँ। अरे दत्ता, सब कुछ बर्बाद हो गया। निकल बाहर। काय दद्दा, का होगा मालक जी? मैंने का गलती कर दी? देखो तो दद्दा, खुद तो पड़ा लाओ है और ससरा कहते का गलती हो गई। हे मालक धनी, का कहत हो? मैं गरीब आदमी, दो जून खाबे को नहीं आ, मैं पड़ा कहाँ से लाऊ हूँ? देखो तो झुलवा के सबके सामने पड़ा घुटो है और ये कहते है पड़ा नहीं है। भैया मत मारो यार, अरे भगवान कहाँ हो, बाहर आओ। अरे बचाओ बचाओ, अरे मार डालो क्या मेरे को, सर छोड़ दो मेरा, अरे छोड़ दो रे। मुकेश, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें माफ कर दो, हमें कुछ नहीं पता, हमें माफ कर दो। अरे काशी, होकर घर में जाकर देखो। ए ढिमरा, अपने बच्चों की कसम खा और सब सच सच बता। मालक, मैं बच्चों की कसम खात हूँ, मैं पड़ा के बारे में कछु ना जानू। और कितना झूठ बोलेगा रे, हम सबों के सामने पड़वा तोरे घर में घुसो, कहाँ गो? बता कि का चमत्कार है। मैं कछु नहीं, पर एक बात है मालिक, आप हमारी बात पर विश्वास ना करो। तू पहले बता तो। हे प्रभु, हम गांव वाले गरीब हैं, खेती बाड़ी कर अपनी गुजर बसर करत है। हमन को बताओ प्रभु, काहे पड़वा बनत हो, अरे काहे हमरी फसल को चरत हो? पुजारी को बुलाओ रे और हवन पूजन कराओ। चलो, जय हो जय हो। हे देवधामी, आप कौन हो, हमन को बताओ, नहीं तो मैं मर जाए हूँ। या तो है कल वही नरीला में डाला हूँ। हे पुत्र, हे पुत्र, ये कलयुग का प्रथम चरण है। मेरा जन्म पुनः कलयुग में कली के रूप में होगा, जब धरा पर अधर्म और पाप बढ़ जाएगा। मैंने पृथ्वी की रक्षा का वचन दिया है,
सनातन धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। मैं पुनः पृथ्वी की मध्य केंद्र बिंदु में स्थापित होने आया हूँ। तुम लोग मेरी लीला से बचना चाहते हो तो मेरा मंदिर बनवाकर मेरी प्रतिमा को स्थापित करो। पुजारी को बुलवाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा। मुखिया जी, मुखिया जी, चमत्कार होगा वो। कल विष्णु भगवान ने हमको दर्शन देकर बताओ। तो मेरा मंदिर बनवाकर मेरी प्रतिमा को स्थापित करो। भयंकर रूप है। मैं धरा से आकाश तक बढ़ता ही जाऊंगा। मुझे स्थिर करने हेतु मेरे मस्तक पर स्वर्ण कील कीला करो, तब मैं स्थिर हो जाऊंगा। बेटा, सौरभ बेटा। सॉरी, नो प्रॉब्लम। माँ, जैन भगवान की पूरी हिस्ट्री दिखाई। माता जी, आपका बेटा सामान्य नहीं है, इसमें देवांश है। श्री हरि के दर्शन के लिए हमने पूरा जीवन व्यतीत कर लिया, पर हमें कभी ये सौभाग्य न प्राप्त हुआ। इसका जन्म श्री हरि और जन सेवा के लिए हुआ है। आप धन्य हो माता जी।
इट्स वेरी मिरेकल एंड पावरफुल गॉड आई नीड दिस। ये वरा मूर्ति बहुत ही चमत्कारिक और शक्तिशाली है, ये मूर्ति इनको चाहिए। पागल हो गया क्या? चोरी, वो भी वरहा भगवान की। भैया जी रुके रुके और पूरी बात सुनिए। ये जो सामने है वो यूएस से आया है, इसने उस मूर्ति के बारे में सारी जानकारी ली है और ये बहुत चमत्कारी मूर्ति है। ये मानता है अगर ये मूर्ति इसके हाथ में होगी तो वो सारी दुनिया जीत सकता है। इस काम के लिए हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा। वो बड़ा भगवान है, कोई छोटा बच्चा नहीं, जो गोद में उठाए और चल दिए, भगवान है वो, भगवान। गॉड गॉड गॉड, चल के सब राख हो जाएगा। भैया जी रुकिए, इस काम के लिए आपको 500 करोड़ मिलेगा। 500 करोड़? आपके इस मंदिर को ढूंढने में बड़ी तकलीफ हुई। क्या हो चाचा, क्या तकलीफ है आपको? बेटा बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। श्री हरि। नारायण, नारायण, मंदिर से जोड़ने वाली सारी सड़कें बेस्ट होनी चाहिए। हर जगह मंदिर के साइन बोर्ड लगवाओ। हर शहर से मंदिर के लिए बस सर्विस स्टार्ट करवाओ। हमारे विष्णु वरा विश्वविख्यात होने चाहिए। बेटा आपका जन कल्याण के लिए हुआ है, हमें अपने मंझौली को बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल बनाना है। जगत के नाथ जहाँ विष्णु वराहितकारी है, विराजे धाम मझौली स्वयं सिद्ध अवतारी है। बाटे भर भर हाथ देखो जगत के नाथ, जिनकी महिमा जगत से न्यारी है। विष्णु वराह जय हो, विष्णु वराह जय हो, विष्णु वराह जय हो, विष्णु वराह जय हो। ताल नलीला सुंदर प्यारा, पकड़े मछली एक मछवारा, बार बार फंसी एक पटैया, भय अवतारे जग के खिवैया। धीमर प्रभु को घर ले आया, किस्मत ने क्या खेल रचाया। धीमर प्रभु को घर ले आया, किस्मत ने क्या खेल रचाया। रचे लीला देखो कैसी लीलाधारी है। विष्णु वराह जय हो, 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 विष्णु वराह। तेरे दोस्त ने मेरे भाई को पीटा और अब मेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना चाहता है।
ले फोन, लगा उसको और बुला इधर, तुझे छुड़ा कर ले जाए। मेरा दोस्त तो अभी तक आया नहीं, लगता है डर गया। अगर तेरा काम लोगों को डराना है ना, तो मैं भी उनकी ताकत हूँ। हम लोगों को डराकर ही जीते हैं, यही हमारी राजनीति है। अपनी राजनीति ना अपने घर पे रख, क्योंकि अगर एक बार मैं एंटर हुआ ना, तो राजनीति का रंग बदल दूंगा। चल भाई। मेरी गन किधर है? हरिया, रज्जू, कालिया। भैया जी क्यों? ये हमारे मित्र हैं, यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री डालेंगे, सबको रोजगार मिलेगा। पर ये तो हमारा विष्णुवरा मंदिर है, हम इसे कैसे तोड़ने दे सकते हैं? तुमको नौ कुछ ज्यादा, ये टेंपल इम्पोर्टेंट है। हमारे मजौली में विष्णुवरा से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, इनकी कृपा रही तो ऐसी हजारों फैक्ट्रियां खड़ी हो जाएंगी। तुम बीच में मत आओ, यहाँ हम सबके भविष्य की बात कर रहे हैं। भगवान का घर तोड़ के किसका भला हुआ है? अभी के अभी सारी गर्दी खत्म हो जानी चाहिए। क्विक, यू हैव अदर ऑप्शन। रुक जा, वरना आइडर फादर और मंदिर। मैं तुम लोगों की भलाई के लिए सोच रहा हूँ, मंदिर से ज्यादा जरूरत हमें रोजगार की है, हमें यह मंदिर तोड़ना ही होगा। साख ये मंदिर खाली कराओ। Yeah!
सौरभ भैया। सौरभ भैया, आपने जो निस्वार्थ विष्णुवरा भगवान और हम लोगों की सेवा की है, इसलिए हम सब चाहते हैं आप हमारे जन प्रतिनिधि बने। मैं अभी भी आप लोगों की सेवा में ही हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद और विष्णुवरा की कृपा से मैं आप लोगों की सेवा में आऊँगा। जय श्री विष्णुवरा। अवतारी है जगत के नाथ जहाँ विष्णु बड़ा हितकारी है, विराजे धाम मझोली स्वयं सिद्ध अवतारी है। बाटे भर भर हाथ देखो जगत के नाथ जिनकी महिमा जगत से न्यारी है। विष्णु बराह जय हो, विष्णु बराह जय हो, विष्णु बराह जय हो, विष्णु बराह। दिया दीमर को जाओ आसन दो मंदिर बनवाओ, जैसे ही मंदिर बनवाया प्रभु ने अपना रूप बढ़ाया। प्रभु की लीला क्या बतलाए, मंदिर फोड़ वो बढ़ते जाए। प्रभु की लीला क्या बतलाए, मंदिर फोड़ वो बढ़ते जाए। भारी चिंता में पड़े नर नारी है। विष्णु बराह जय हो, विष्णु बराह जय हो, विष्णु बराह जय हो, विष्णु बराह।